यहाँ का लगभग बच्चा बच्चा दीक्षित था। उस समय धम्मिक बोला करते थे, बौद्ध शब्द नहीं था। तो सारे धम्मिक थे, सारे दीक्षित थे और सब दीक्षा में रत रहते थे और जानते थे। तो भारत ऑफिशियली जो डिक्लेयर्ड कंट्री है वो बुद्धिस्ट कंट्री है। अगर आप पूरी दुनिया में जाएंगे और पूरी दुनिया में अगर भारत की आइडेंटिटी मानेंगे, पूछेंगे, तो भारत की जो आइडेंटिटी है वो बुद्ध से चलती है। बुद्ध के अलावा भारत की कोई पहचान नहीं। धम्म के बारे में या किसी के बारे में कोई जानकारी, क्योंकि धम्म की जानकारी बाबा साहब के जाने के बाद में, 1956 के जाने के बाद में, नागपुर के लोगों से भी मैंने काफ़ी बात की, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ भिक्कू नहीं होता था। धम्म की जानकारी क्या है उनको पता ही नहीं, क्योंकि बाबा साहब असम में चले गए। इसलिए धम्म का सारा काम बहुत लंबा पीरियड में आ गया और समझ में नहीं आया कि धम्म कैसे बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जागरूकता का बड़ा अभाव रहा। जहाँ जहाँ दीक्षाएँ होती रहीं, दीक्षाएँ चलती रहीं, दीक्षा का अर्थ भी नहीं जान पाए। दीक्षा का मतलब लोगों ने, जैसे दीक्षित होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, दीक्षांत कार्यक्रम होते हैं, दीक्षा अंत कार्यक्रम, वैसा ही समझा। पर बुद्ध का शब्द दीक्षा नहीं है, दीक्षा शब्द है। तो अभी तक हम ओरिजिनल शब्द धम्म दीक्षा पे भी नहीं पहुँचे हैं। दीक्षा माने देखना, सीखना, जानना। भारत एक समय तक ऐसा था जब यहाँ लगभग सभी लोग दीक्षित थे, यानी देखना जानते थे, आप कह सकते हैं जागृत थे। उस जागृत समय में, उस जागृत भारत में, जो बुद्ध के बाद में जागृति की आभा फैली, बुद्ध की आभा फैली, तब भारत जो नाम पड़ा है आभारत पड़ा। यानी आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि बुद्ध के बाद बुद्ध की आभा में रत रहने वाले लोगों के कारण इसको भारत कहा गया। आ खत्म हो गया, भारत खाली रह गया। और अशोक के समय महाभारत था, क्योंकि अशोक के समय आपके पास भूटान था, नेपाल था, चीन का हिस्सा था, म्यांमार था, आज का पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, ईरान का हिस्सा था, उधर जो हमारा मंगोलिया उसका हिस्सा था, नेपाल, भूटान, ये सारे जो कंट्री थे। इतना बड़ा आभारत, यानी बुद्ध की आभा में रत रहने वाला, जिसको महाभारत। और महाभारत का रचयिता हमारा सम्राट प्रियदर्शी अशोक। यहाँ का लगभग बच्चा बच्चा दीक्षित था। उस समय धम्मिक बोला करते थे, बौद्ध शब्द नहीं था। तो सारे धम्मिक थे, सारे दीक्षित थे और सब दीक्षा में रत रहते थे और जानते थे। तो भारत ऑफिशियली जो डिक्लेयर्ड कंट्री है वो बुद्धिस्ट कंट्री है। अगर आप पूरी दुनिया में जाएंगे और पूरी दुनिया में अगर भारत की आइडेंटिटी मानेंगे, पूछेंगे, तो भारत की जो आइडेंटिटी है वो बुद्ध से चलती है। बुद्ध के अलावा भारत की कोई पहचान नहीं है। जो भारत में चीज़ें अलग अलग चलती हैं उनकी कोई पहचान नहीं है। ये भारत के बाहर जाने वाले लोग जानते हैं, मगर जिनको भारत से बाहर जाने का मौका नहीं मिला वो इसको नहीं जानते हैं। ये जो हमारा सिस्टम और हमारी कल्चर है ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है, जो बुद्ध अशोक ने सारे पत्रों पे लिखवाई कि भारत में बुद्ध के जनित और पुराने समण संघ के जनित कार्यक्रम पत्रों पे लिखे जाएंगे, वही चलेंगे, वही संविधान था। पत्रों पे लिखा हुआ पहला समता का विधान संविधान, ये बाद में विसंविधान बने हैं। संविधान समता का विधान तभी रहा है। उस समय अशोक के समय जो डिक्लेरेशन हुआ कि ये बुद्धिस्ट कंट्री है और इसका संविधान बुद्धिस्ट जो कल्चर उस पर आधारित है, समता पे आधारित है, वही बाबा साहब ने उठाया संविधान, यानी समता का विधान। तब से लेके आज तक इस देश का डिक्लेरेशन किसी और नाम से नहीं हुआ है। आप हिस्ट्री उठा लीजिए, अगर आप हिस्ट्री के जानकार हैं, पूरे देश में कहीं चले जाइए, दुनिया में कहीं चले जाइए, कोई नहीं कह सकता कि ये बुद्धिस्ट भारत नहीं है। इसलिए वो लोग भूल गए कि ये बुद्धिस्ट भारत है, इसका कल्चर बुद्धिस्ट है, इसका जो संविधान है वो बुद्धिस्ट है, अशोक का जो संविधान है वो बुद्धिस्ट है, बुद्ध का जो संविधान है वो बुद्धिस्ट है, और हमारे संतों का जो संविधान है वो बुद्धिस्ट है। वो टुकड़ों में टूट गया। पर इसको याद कराने के लिए, इसको निकालने के लिए
बाबा साहब आते हैं और बाबा साहब जानते हैं कि हमारे लोगों का ज्ञान इतना नहीं है कि उनको मैं ये समझाऊं कि ये तुम्हारा भारत है, तुम्हारा बुद्धिस्ट भारत है या तुम्हारा जो कल्चर है वो बुद्धिस्ट कल्चर है। इसलिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञा के दे के सीधा आदेश दिया कि आपने 22 प्रतिज्ञा मान के और भारत को फिर दोबारा से बौद्ध में बनाना है। बौद्ध में मतलब दीक्षित बनाना है, जागृत बनाना है, प्रबुद्ध बनाना है। उन्होंने प्रबुद्ध शब्द इस्तेमाल किया, प्रबुद्ध। प्रबुद्ध का मतलब है पूरी तरह से बुद्ध पे आधारित, बुद्धि पे आधारित। वो काम नहीं कर पाए जैसा कि अभी नरेंद्र पाल भाई साहब ने बताया है, पर जिम्मेदारी हमारी बनती है। ये जिम्मेदारी कुछ जगह पूरी हुई पर इसकी जानकारी आधी अधूरी रही, इसलिए इस जानकारी के अभाव में हम किसी को सबको ये नहीं बता पाए ये आज भी बुद्धिस्ट भारत है, आज भी धम्मिक भारत है, इसका कल्चर और इसका संविधान वही है। तो बुद्धिस्ट भारत से कोई और भारत बनाना चाहे तो बुद्धिस्ट भारत को ख़त्म करना पड़ेगा तो बना सकता है। और डिक्लेरेशन करना पूरे वर्ल्ड में इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत का जो आइडेंटिटी है वो बुद्ध से जानी जाती है और कहीं नहीं जानी जाती। बर्मा के अंदर एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जब बर्मा के अंदर पुराने समय में, अब से करीब 80 साल पहले, 100 साल पहले लोग हमारे जाया करते थे व्यापार करने, तो उनकी पूजा होती थी कि ये बुद्ध के देश से आए ईमानदार हैं, और उनके सामान को कोई खोल के चेक नहीं करता था कि ये आभा में रत रहने वाले, समता में रत रहने वाले ईमानदार लोग हैं। जितना वजन सामान का बोल रहे हैं उतना सामान ही है, कोई तोलता नहीं था। अभी हालत ये है कि पूरे दुनिया के अंदर हमारे सामान को तोला जाता है और चेक किया जाता है, क्योंकि हमारा जो कल्चर था, सिस्टम था, वो ख़त्म होके वो निगेटिव पे आ गया, यानी कम तोलने पे आ गया, चोर बाजारी पे आ गया, लुटेरे पे आ गया। इसलिए हमारी जो आइडेंटिटी है वो नुकसान पहुंचाई जा रही है। ये जो कदम बाबा साहब ने उठाया वो बहुत आगे बढ़ जाता अगर सब लोगों को जानकारी होती, पर अभी समय है उसका। इसका पूरे विश्व को फ़ायदा होने वाला है अगर हम पुरानी कल्चर को दोबारा से स्थापित करते हैं, पुराने अपने लोगों को बताते हैं कि आपका कल्चर, आपका धर्म, आपका जो बुद्ध, आपका सिस्टम ये है। उसी को बताने की कवायद चल रही है। इसलिए कोई आदमी ये कहे कि हम धर्म का परिवर्तन करा रहे हैं, जो धम्मिक है उसके धर्म का परिवर्तन इम्पॉसिबल है। कोई आदमी जो पहले से बुद्धिस्ट है, जो पैदाइशी बुद्धिस्ट है और जो 2600 साल से और उससे पहले से चला आ रहा है धम्मिक होता हुआ, उसकी कल्चर को नहीं बदला जा सकता। उसका कोई धर्म नहीं है, उसका सिर्फ धम्म है। तो उसको यहाँ याद कराने की कवायद चल रही है। बाबा साहब ने भी याद कराया। बाबा साहब ने कोई ऐसा नहीं है कि कहा हो कि आप ऐसा बन जाओ वैसा बन जाओ, कोई नई चीज़ है, नई चीज़ नहीं है, पुरानी है, देश की है और देसी है। बाकी देसी नहीं है, बाकी सारी कल्चर बाहर से आयात की हुई हैं, इम्पोर्टेड कल्चर हैं, पर ये जो कल्चर है ये देसी कल्चर है। और इस देसी कल्चर की इतनी खास बात है कि इस देसी कल्चर को पूरी दुनिया ने अपनाया है। चीन का तो नाम ही इसके ऊपर पड़ा हुआ है। चीन को बोलते हैं चाइना, चाइना बना हुआ है झान से, उसको झान बोला करते हैं। तो झान को पाली में बोलते हैं ध्यान, यहाँ ध्यान लगाते हैं उसको झान बोलते हैं। झान से चांद पड़ा है, चांद से चीन पड़ा हुआ है। तो पूरा का पूरा आभारत है और एक एक शब्द पाली का चलता है और एक एक शब्द बुद्ध का चलता है। हिंदी तो 80% पाली ही है, वही बुद्ध के वचन चलते हैं सारे सारे, और एक एक शब्द वही मारक है। अब सवाल लेना, हाँ, इसलिए पूरा कर दूँ। इसलिए नागपुर के अंदर बड़ी दीक्षा होने वाली है, मैं नागपुर में रहूँगा। आप लोग यहाँ दिल्ली में, क्योंकि यहाँ एक बड़ी दीक्षा होने वाली है, यहाँ रहेंगे। गुजरात के अंदर भी बताया कि वहाँ 10,000 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो दीक्षा रहेगी। तो ये दिखाने का काम, समझाने का काम पूरे देश में है, और आप लोग इसको इसी तरह से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा।